सिकंदर, ये इतनी मामूली बात नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। फारिया से तुम्हारा रिश्ता बदल चुका है। रिश्तों में एहतराम और लिहाज होता है बेटा। जो बात थी अभी वो मैंने आपको बता दी है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और कुछ होना भी नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ उसे खत्म करो, और अब फारिया से ना मिलने की ना बात करने की जरूरत है। अगर वो अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकती है तो अपने काम भी कर सकती है खुद। किसी किस्म की मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सारी तवज्जो अपने घर को और अपनी बीवी को दोगे। आज भी आप आंखें मोंदे उस पर यकीन कर रही हैं, लेकिन हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और ना ही हम फारिया पर यकीन कर सकते हैं। समझा दे उसे कि सिकंदर की जिंदगी से दूर रहे। याद रखिएगा रोशन, अगर फारिया की वजह से दिलावेश की जिंदगी में कोई तूफान आया ना, तो इस बार हमसे माफी की उम्मीद मत रखिएगा। तूफान तो हमारी जिंदगी में भी आया था, तब क्यों नहीं रोका था खुद को? फारिया सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी औलाद है, खुद भी समझा सकते हैं आप उन्हें। तो ये औरत बेवकूफ बस एक घर पे सब्र कर लेती है, और ये मर्द बहुत फायदा उठाते हैं सब्र और खामोशी का। अपने हिसाब किताब के बहुत पक्के होते हैं। इतनी सती सावित्री ना बन, ऐसियों के हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आता।